जो क्वेश्चन था वो कि दो वायर है, स्ट्रेट वायर है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस कितना थी डी। इन्होंने कहा था इन दोनों वायर के बीच में एक पॉइंट पी है जो एक वायर से एक्स डिस्टेंस पर, एक वायर से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो है अब मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, क्यों, क्योंकि इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, डी माइनस एक्स होता है, समझ में आया। तो दोनों ही इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, दोनों वायर कैसे हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इस पॉइंट पी पर निकाला था। तो पॉइंट पी पर मान लेते हैं कि ए के कारण, मान लेते दो वायर था ए बी, वायर का नाम ही दिया था, तो अगर मान लेते वायर ए के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पर, मान लेते वो बी ए, तो बी ए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई, या टू पाई रखें, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन ए की जगह पर जो डिस्टेंस है वो रहेगी ना वायर से, कितनी रहेगी एक्स। उसी तरह से बी 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 यानी कि वायर बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड थ्री पॉइंट पर होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितना है डी माइनस एक्स। अब जरा देखा जाए यहाँ पे ये बी ए और बी बी, बी ए या बी वन बी टू भी मान सकते थे, बी ए और बी बी का डायरेक्शन देखा जाए तो अगर देखा जाए इसके अनुसार, अगर राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, ये जो इसके कारण होगा यानी बी ए के कारण जो होगा, जो बी ए की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी अंदर की तरफ यानी क्रॉस होगी, जबकि बी बी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आउटवर्ड होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार यहाँ पे इधर से जाएगा और यहाँ से क्या अंदर की तरफ जा रही है, तो बी ए एंड बी बी आर अपोजिट टू ईच अदर, B and B B R opposite to each other. Therefore B net क्या हो जाएगा? B net हो जाएगा B A minus B B. Clear है? तो B A का value था हमारा mu naught upon 2 pi I upon X minus ये हो जाएगा mu naught upon 2 pi I upon D minus X. बस दोनों में कॉमन क्या था? mu naught upon 2 pi आई ये कॉमन है, ये वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन डी माइनस एक्स, हाँ एक्स कहाँ कॉमन है, दोनों में एक्स सही नहीं है, दोनों थोड़ी है, तो डी माइनस एक्स यहाँ एक्स, बस या तो इतना ही आंसर लिखते तो वो भी आपको नंबर मिल जाता, या चाहो तो इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। बस यही था आपका क्वेश्चन जो बोर्ड यहाँ का आया इस बार, आपकी अगली में भी वाला समझ में नोट कर लो, यही क्वेश्चन बी वन एंड बी टू आर अपोजिट टू ईच अदर, आर अपोजिट टू ईच अदर, बी वन एंड बी टू आर अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर बी नेट इक्वल टू हो जाएगा बी वन माइनस बी टू, इस तरह दोनों का वैल्यू कर लिया, इतना ही कर दो, इतना छोड़ दो, कौन सा है, चाहो तो एक लाइन सॉल्व कर लो यहाँ पे एक्स और डी माइनस एक्स यहाँ पे सॉल्व करो क्या होगा, बी वन अपॉन टू का हमारा कितने लोग किए थे बताना जरा इसको, हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए, समझ रहे हैं सर, जो हम लोग ने डी माइनस टू एक्स अपॉन एक्स और डी माइनस एक्स। अब ये अब देखो ये बता रहे हैं ये बोर्ड वाले क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस सिर्फ समझने की क्वेश्चन को समझना है, आगे ज्यादा लिख दे थोड़ा सा ऊपर कर दो अभी सही हो जाएगा ना, अब थोड़ा नीचे लिखेंगे ना ऐसे रख देंगे, नहीं इसको ऊपर कर दो ना थोड़ा सा तो फिर नीचे नहीं दिखेगा, दिखेगा नीचे जूम सर ज्यादा ये क्या कवर कर रहा है, आप लिखिए सर हम नीचे कर देंगे जब नीचे आएंगे तो, अच्छा पता है सर कहाँ से, वहाँ से सर पूरा वहाँ से, अगर देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, लूप मींस क्लोज पाथ, लूप का मतलब क्लोज, अगर सर्कुलर लूप होना चाहिए, लूप कैसा होना चाहिए सर्कुलर, इस बार कह रहा है जो मेरा लूप है वो कैसा है सर्कुलर है, कैसा है सर्कुलर है, एक छल्ले के जैसा है,
थोड़ा सा ध्यान दें, एक हाथ में कोई पहना है क्या चल रहा है? यस सर, यहाँ सर, यहाँ ये कुछ इस तरह का, ये यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ ऐसे है, क्योंकि यहाँ फिगर में बना नहीं सकता, वो ऐसे इस तरह से, बट वो कैसा है, इस तरह का मैं, यानी कि जो मेरा पेपर है उसे मैं परपेंडिकुलर अपने लूप को ऐसे रखता हूँ, तो इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से, इस लूप के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं एक पॉइंट मेरा है पी, सर्कुलर है, इसमें करेंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से करेंट क्या आपको कितना फ्लो हो रहा है, आई करेंट फ्लो, और इसके सेंटर से मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, एक्स, क्वेश्चन में भी एक्स ही माना था, एक्स डिस्टेंस पर जो है, और इसके रेडियस को वो माना था इस लूप का, यानी कि जो सर्कुलर लूप उसका रेडियस आर माना था, आपके क्वेश्चन में जो दिया था वहां पे रेडियस आर माना था, इसके बाद ये इधर की नजर नजर यहाँ कर लो, ये डिस्टेंस कितना है सेंटर से, एक्स, रेडियस कितना है, आर है, इसके कारण इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप के कारण, स्टेट वायर के कारण अभी देखा था हमने, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए आया था स्टेट लॉन्ग स्टेट वायर का, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन फाइव प्लस साइन फाइव, दो फार्मूला था ना, फॉर्मूला अगर लॉन्ग नहीं था तो साइन फाइव प्लस साइन फाइव लगा देते थे, और अगर इनफाइनिटली लॉन्ग था क्या लगा देते, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, समझ में आएगा? यस, तुम लोग उधर बैठे हो पीछे सुनाई देगा, यहाँ सामने क्यों नहीं बैठ गए? चलो, तो ये है हमारा सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, हम कंसिडर कर लेते हैं एक स्मॉल लेंथ जो है डीएल ले लेते हैं, इस वायर का स्मॉल लेंथ क्या ले लेते हैं, डीएल, डीएल मतलब कुछ इस तरह से होगा, ये देखो यहाँ से, ये मैं यहाँ इस तरह से बना पा रहा हूँ डीएल को, बट वो डीएल कुछ इस तरह का होगा, वो जो मैं पेपर पे नहीं बना पाएंगे ना इस तरह से, यहाँ इस तरह से, अब इसके जो वायर यहाँ से एक लाइन खींचूंगा, ये लाइन जो होगी, ये लाइन क्या होगी, इससे परपेंडिकुलर होगी, इधर देखो कैसे, इसके बीच में जो एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, इसका नहीं सॉरी, इससे डीएल का और इस लाइन के बीच में, सो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री, तो अब डीएल के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मान लेते हैं वो डीबी है, तो डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा, जब बाहर निकल रहा है क्या देखना, डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, बाय शॉर्ट लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, ये देखो आर है, ये पाइथागोरस का लॉ क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो अंडर रूट फट जाएगा, क्योंकि वहां आइडियल साइन थीटा पर आर स्क्वायर होता था, क्योंकि अंडर रूट में है तो उसका अंडर रूट क्या होगा, फट जाएगा, समझ में आएगा, अंडर रूट फटा, तो इस तरह से डीबी निकल जाए, यहाँ पर डीबी को बनाए तो ये जो डीबी होगा मान लेते हैं इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डीबी हो गया, अच्छा अगर डायमेट्रिकली अपोजिट यानी ठीक अपोजिट इसके एक और डीएल ले लेता हूँ, उतना ही बड़ा लेते डीएल ले लेता हूँ नीचे में एक लिए, तो इस डीएल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस कितना होगा उतना ही होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी होगा कि नहीं होगा, नीचे भी आर होगा, ये भी होगा, इसके कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कितना होगा, वही होगा डीबी ही होगा, उतना ही होगा, क्योंकि डीएल के कारण है और डिस्टेंस उतना ही है, तो इस यहाँ भी क्या हो जाएगा, वाइट सोल्ड लॉ के अनुसार ये डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा यानी साइन 90 होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि डीएल डीएल इस तरह से है और ये आर इस तरह से है, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा कितना होगा 90, क्लियर है, तो ये हो गया डीबी, अगर देखा जाए मान लेते हैं कि ये वाला एंगल है थीटा या फाई, मान लेते हैं इस एंगल को मान लेते हैं फाई, नीचे वाला एंगल भी क्या होगा फाई, तो अब ये जो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वर्टिकल से यहाँ पे जो वर्टिकल से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी फाई, वर्टिकल से कितनी होगी डायरेक्शन, ये वाला एंगल होगा फाई, उसी तरह से सिमिलरली नीचे भी ये वाला इसका भी जो है यानी जो वर्टिकल से डायरेक्शन होगा कितना होगा फाई एंगल होगा, अब इस डीबी को अगर इस फाई वाले एंगल पे काट करें तो ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई, क्योंकि एंगल वाले में क्या बता सकता है ना, इसका रेजोल्यूशन करेंगे, इसको हम तोड़े,
रेजोल्यूशन मीन्स क्या, इसको ब्रेक करना, इसका रेजोल्यूशन करें, इसका रेजोल्यूशन इस डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डीवी कॉस फाई। वहीं पे इसका अगर हम अपर डायरेक्शन में रेजोल्यूशन करते हैं, अपर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डीवी कॉस फाई यहाँ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीवी कॉस फाई। अगर देखा जाए ये डीवी कॉस फाई और ये डीवी कॉस फाई दोनों इक्वल होगा क्योंकि सेम है और दोनों के डायरेक्शन क्या है अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, यानी इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा जीरो, इनका इफेक्ट क्या होगा जीरो, जितना नीचे की तरफ फील्ड है उतना ऊपर की तरफ, यानी इनके कारण जो फील्ड होगी कितना होगी जीरो। अब कहते हैं 90, यानी कि यहाँ पे फाई है, यहाँ 90 माइनस फाई है, तो 90 माइनस फाई पर अगर डीबी को तोड़ो तो ये हो जाएगा डीबी साइन फाई, उसी तरह से यहाँ पे इस डीबी को तोड़ो तो ये हो जाएगा डीबी साइन फाई। अब ये देखें डीबी साइन फाई एंड डीबी साइन फाई आर इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों के आ रहे सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दे विल बी एडिड अप, इनको क्या ये सारे के सारे एडिड अप। अब हमने कहा ये तो छोटे से दो डायमेट्रिकली अपोजिट दो के लिए दिया, ऐसे कई हजारों छोटे छोटे डीएल होंगे जो जिनके डायमेट्रिकली अपोजिट पार्ट होंगे, माने तो यहाँ लिया था यहाँ लिया, फिर मैं यहाँ लूंगा यहाँ लेता हूँ, फिर यहाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे होंगे, और उन सब का हमें क्या करना चाहिए, जितने भी डीबी साइन फाई होंगे उन सब का हमें सम चाहिए, और उन सब का सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके किसी एक को क्या कर देता हूं मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, समझ में सबकी वैल्यू पुट करूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। तो सबसे पहले तो हम डीबी को निकाल लेता हूं, फिर साइन फाई को निकाल लेते हैं और इनकी वैल्यू को पुट करके फिर पुट करते हैं। तो देखें पहले डीबी को कैलकुलेट करते हैं, तो बायर सेवर्ट लॉ से यहां लिखेंगे फ्रॉम बायर सेवर्ट लॉ, फ्रॉम बायर सेवर्ट लॉ डीबी इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में होगा, अंडर रूट फट गया, इसे सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो डीबी इक्वल टू मी नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो थोड़ा सा ही लिख रही है ये वाला जो स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, सिंस डीवी कॉस फाई एंड डीवी कॉस फाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड अपोजिट, सॉरी आर अपोजिट टू ईच अदर एंड इक्वल, देयरफॉर दे विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड डीवी साइन फाई एंड डीवी साइन फाई आर इन द सेम डायरेक्शन सो दे विल बी एडिड, ये स्टेटमेंट यहां लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, ये हो जाएगा बी नेट, बात करें हम बी नेट का मैग्नेट्यूड इस तरह से, तो बी नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, यही होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डीबी साइन फाई, तो dv sin phi की बात करें तो इंटीग्रेशन dv का वैल्यू हमारा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू sin phi का वैल्यू कर देते हैं। यहां देखा जाए ये एंगल है, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, फाई है, अगर sin थीटा लगाया जाए तो x अपॉन ये हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर, तो अगर साइन फाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी r अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू पावर 1/2, ये हो जाएगा ना, यहां पर रिटर्न ऑफ चाहिए तो लिख दिया सिंस साइन फाई साइन इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इतना हो गया। अब इससे क्या करेंगे, जो जो हो वेरिएबल है उसे हम बाहर कर लेते हैं, नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, वहां लिखते हैं। उधर देखा गया हमारा इस तरह से बी नेट जो आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड वो आ जाएगा, जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है बाहर कर लिया, यहाँ पे जरा देखा आई भी और ये सारा का सारा सारा ये सब का सब क्या है कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल मेरा है वेरिएबल, वेरिएबल क्या है सिर्फ डीएल, तो ये हो जाएगा इस तरह से आई इंटू आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 हो जाएगा,
यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पे पावर वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कर ले ये पूरी रिंग, तो रिंग है इनके रिंग कितनी रहेगी टू पाई आर, तो ये रहेगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू आर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर थ्री बाई टू इंटू कितना हो गया 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होती है सर, वो ना दिखने दे 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 होते हैं यस सर, म्यू नॉट की पाई, क्योंकि अपॉन 4 पाई होता तो 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, इसलिए 10 पावर माइनस 7 से कट जाएगा। ए स्पेशल केस में हो गया ये, केस नंबर 1 हो गया सर, एक्स डिस्टेंस हो सर, हां एक्स डिस्टेंस ओके सर, एक्स डिस्टेंस है सर, हां केस 2 तो सर वही था, अब केस 2 तो ये था, केस 2 तो कौन किया यही पे था, लिखवा अब वो तो लिखवा ही चुके सर, सर आगे बैठ जाइए सर, दिखने ले आप मुझे अब एक से और करना है जो छोटा सा है, इरेज कर देना ये पूरा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ लूप, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे लिखना, एडिट डाल दो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ लूप, ए कहां तुम लोग जा रहे हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए लूप, अगर लूप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लेते इस तरह से लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करो, मैग्नेटिक लूप, मैग्नेटिक लूप के कारण जो सेंटर में होगा, सेंटर में सीधे स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा होगा, बाकी यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से, देखो ये किनारों पे ऐसे बनाएंगे, सेंटर पे ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में जाती है स्ट्रेट होती है, बाकी किनारों पे ऐसे मान बनाने के लिए आता है ना अलग अलग बोर्ड में इसके कारण, तो ये था बस फिगर, इतना ही है इसका, ये हो गया पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, डेरिवेशन तो कंप्लीट हो चुका था, ये तो टाइम हो गया सर, फील्ड का पैटर्न देना, श्री क्या है मैग्नेटिक फील्ड लूप में, जो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि मैग्नेट की तरह काम करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा लूप के अंदर, उसे पूरा इससे डेरिवेशन से इसका है, डेरिवेशन एक फील्ड का पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, अच्छा बोलो उसको क्या बनाया केंद्र सेंटर फील्ड, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स मतलब फील्ड लाइंस कैसे पैटर्न होगा, जैसे ये छल्ला है ना, जैसे छल्ला है तो अगर इसमें करंट जो है ना इस तरह से फ्लो हो रही है, यहाँ से यहाँ ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, बीच में सेंटर में से सीधे जा रही होगी, और किनारों पर ऐसे हो रही है, किनारों पर इस तरह से हो रही है, इसे किनारों पर गोल, यहाँ किनारों पर छल्ले जैसे हो रहे हैं, और बाकी यहाँ ऐसे टेढ़ी होकर कैसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, लेकिन ऐसे एक्चुअली ये 2D है, यहाँ 3D में कुछ ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हो गया दैट्स एनफ फॉर टुडे, ऐसा थोड़ा सा वो ग्लो करके कर देना, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई से 2 पाई यहाँ कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 3 बाई 2, कोई डाउट है।
ये बी नेट है हमारा, नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा यहीं पे एक और कंडीशन आती है, देखो तो नीचे दिखाई दे रहा है क्या? यस अभी दिखाई। व्हेन एक्स इज ग्रेटर 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 देन आर, मतलब ये वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और ये रिंग का जो रेडियस हो बहुत ही कम हो, तो देन इट विल बी नेग्लिजिबल। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, उसका स्क्वायर क्या होगा, और छोटा होगा। जैसे 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.04, और बहुत छोटा हो गया ना, तो छोटे नंबर का स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये जो ये आर स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। इस आर स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं नेग्लेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये मेरा हो जाएगा, देन बी नेट हो जाएगा मेरा, बी नेट हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन नीचे वाले जीरो मानेंगे, ठीक है ना, ऊपर वाले जीरो नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं ऊपर वाले, ठीक है। तो यहाँ तो आर स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल कर लिया, ठीक है, ये हो गया आई आर स्क्वायर अपॉन ये। ये भी क्वेश्चन आया था सेम टू सेम क्वेश्चन था पूरा लिखे, और साइन फाई की वैल्यू ये जो है ये साइन फाई की वैल्यू है, और ये पूरा डीबी की वैल्यू है, ये पूरा डीबी वहां से उठा के लिखे, और साइन फाई की वैल्यू ये होता है यहाँ से निकाल लें। सबको बाहर कर लिया, सिर्फ डीएल ही वेरिएबल है, सिर्फ डीएल को अंदर रखा, क्योंकि डीएल ही वेरिएबल है, बाकी सब वेरिएबल नहीं है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है। तरंग भी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस में हमारा कांस्टेंट है, इसका रिंग का रेडियस भी कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट है। बाहर कर लिया, सिर्फ जो वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन में वही होता है, जीरो टू टू पाई आर के करीब, मतलब डीएल जो होगा कितना होगा, टू पाई आर, और आई ये आर से ये आर स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू ये आर और ये आर स्क्वायर हो गया आई आर स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस आर स्क्वायर को क्या करें, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर एक्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आता है, ये गया v नेट के v नॉट अपॉन 2 i r स्क्वायर अपॉन x क्यूब, पहुंच गया, पहुंच गया ऑलरेडी, पहुंच गया।